बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी लाई हूँ वो है न्यू रेसिपी है समोसा, चिकन समोसा। ये पहले भी मैंने बनाई है तो बहुत मज़े की बनी है, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तो काफ़ी अरसे से मैंने अपनी रेसिपी नहीं चढ़ाई क्योंकि मैं बहुत सा बीमार थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बना सकी। तो अब मेरी तबीयत कुछ सेट हुई है तो उन्होंने कहा कि आप तो रेसिपी बना दो। तो मेरी बहू ने भी अभी दो तीन रेसिपियाँ बनाई हैं, वो स्पेनिश है, अमेरिका से आई हुई है। तो फिर उसने को बड़ा शौक़ था इस तरह रेसिपी बनाने का, तो उसने भी आपके लिए दो तीन रेसिपियाँ बनाई हैं। तो उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं, मैंने ये 750 ग्राम कीमा लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, दो बड़े साइज़ के प्याज लिए, तीन चार सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा लिया है, और दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये गरम मसाला आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच, सुरख मिर्च एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और नमक भी आधा चम्मच, क्योंकि मैंने पहले भी चिकन में को जब उबाला था तो उसमें मैंने नमक डाला हुआ था। तो ये जो चिकन मैंने उबाला उसकी यखनी है ली है, और बंद गोभी मैंने 500 ग्राम ली है। तो चले अब स्टार्ट कर लाए रहमान रखें। मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है, और अब मैं इसमें ये दो चम्मच ऑयल के डालने लगी। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालते, कम डालते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, और अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँ। इसको ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं करना, हल्का से ही फ्राई करना है। यह फ्राई हो गया, अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट सब डाल मैं लाए रखा हूँ। इसको मैं 2 मिनट भूनूंगी। मैं जो चिकन था बॉयल के, इसके मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए थे, ये डालूंगी। साथ अब ये जो मैंने मसाले रखे थे वो डालेंगे, टमाटर भी। अब थोड़ा समय जो है ये जो यखनी थी वो रखी हुई, थोड़ी सी डालूंगी ताकि जो मिर्चें और जले मसाले। यखनी डालने से इसकी जो फिलिंग है समोसे की बहुत मज़े की बनती है। आप भी मेरी रेसिपी शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और इसी तरह बनाया करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। बंद गोभी रखी हुई है वो डालें, और मैं इसको इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो इसमें मैंने ये जो यखनी रखी हुई है ये डाल दूंगी, और 5-1 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के दम पे रख दूंगी ताकि ये मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें, बंद गोभी में और गल भी जाए। बिस्मिल्लाह, अब मैं इसको 5-1 मिनट के लिए दम पे
ये हमारी समोसों की फिलिंग तैयार हो गई है और अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल मिक्स करके ये फ्लेम आपका क्या मैं इसको नीचे उतार दूँ। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी फिलिंग तैयार हुई है, आप भी इसी तरह बनाएं। और अब मैं इसको नीचे उतारने लगी हूँ। अल्लाहुर्रहमान रहीम। ये मैंने इसकी डो पहले से तैयार करके रखी हुई है। ये एक कप मैंने मैदा डाल दिया था और इसमें दो चम्मच घी के डाले थे और एक आधा चम्मच नमक और इसको अच्छी तरह गूंद लिया था। ये देखें मेरी कितनी अच्छी डो तैयार हो गई है। तो इसके बाद मैं इसके ये छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी इस तरह। तो थोड़ा सा मैदा डाल के इसको बेल से बेल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे तैयार हो गए, बेल लिए मैंने, रोटी गोल सी बना लेनी है आपने इसी तरह। और इसको फिर इस तरह दरमियान में से काट लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काट के अब मैं इसमें ये फिलिंग जो है वो थोड़ी सी डालूँगी। इस तरह फिलिंग डाल के इसको इधर से पकड़ के आपने ऐसे कर लेना, ऐसे। तो इधर से करके ऐसे, ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं ये दूसरे भी सारे इसी तरह तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं सारे इसी तरह तैयार कर लूँगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे चिकन समोसा न्यू रेसिपी तैयार हो गई है। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब मैं इसके बाद इसको फ्राई करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे चिकन समोसा तैयार हो गया है। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने खस्ता तैयार हुए हैं। आप भी मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और इसी तरह बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। आगे भी मेरी रेसिपी को आपने बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो इसी अभी अल्लाह हाफिज़, अंदर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे।